नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अतुल, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल अतुल में। तो दोस्तों, जैसा कि टाइटल और थंबनेल देख के आज आप समझ गए होंगे कि आज की मेरी वीडियो किस पर होने वाली है। दोस्तों, अगर नहीं समझे तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप आधार कार्ड यूज करते हैं, आधार कार्ड तो आज के टाइम में सभी के पास है, तो अगर सभी उसको यूज करते हैं, जो पेपर पे आधार कार्ड प्रिंट होके आता है वो कभी भी हमारा भीग जाता है, तो कभी भी कहीं भीग गया तो खराब हो जाता है, उसको हमें दोबारा से रीप्रिंट कराना पड़ता है। तो दोस्तों, इसका सलूशन है कि आप अपना आधार कार्ड पीवीसी पर प्रिंट करा सकते हैं। तो लेकिन पीवीसी पर जब आप आधार कार्ड को प्रिंट कराते हैं तो वो हर जगह वैलिड नहीं रहता है, कभी भी आपका उसमें क्यूआर कोड धुंधला हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो आज उसका पूरा सलूशन मैं इस वीडियो में लेके आया हूँ, तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल पर नया चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए बेल आइकन भी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो कीजिएगा अभी लाइक। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कि आप अपना आधार कार्ड दोस्तों पीवीसी पर प्रिंट करा सकते हैं, वो भी मात्र 50 रुपये में। या दोस्तों, आधार कार्ड अब यूआईडी ने ऑनलाइन इसको अब बनाना शुरू कर दिया है, तो उसको कैसे आप अप्लाई करेंगे और उसके बाद आपको आधार कार्ड कैसे मिलेगा, तो बस इस पूरी वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो बस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। दोस्तों, यूआईडी ने इसको जारी किया है, उसमें आपको सिक्योर क्यूआर कोड मिलने वाला है, होलोग्राम के साथ मिलने वाला है। तो ये आपको आधार कार्ड कैसे अप्लाई करेंगे, कैसे आपको मिलने वाला है, तो बस आपको लेके चलूँगा सीधे मोबाइल स्क्रीन पर, और फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरह से आप इसको अप्लाई करेंगे और कैसे आपको ये आप घर तक आपको मिलने वाला है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैं गूगल क्रोम ब्राउज़र को खोल लेता हूँ और यहाँ पर सर्च करते हैं हम ई आधार कार्ड। तो ई आधार कार्ड सर्च कर लेने के बाद यूआईडी की साइट यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं यहाँ पर यूआईडीएआई की साइट को खोल लेता हूँ और खोल लेने के बाद दोस्तों यहाँ पर कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। अब आप देख सकते हैं घर बैठे आधार कार्ड प्रिंट कराएं, तो आप यहाँ से भी आप सीधे जा सकते हैं। यहाँ पर अगर आपको यहाँ पर नहीं आता है तो आप सीधे यहाँ पर आके चेक कर सकते हैं। गेट आधार में आपको मिल जाएगा यहाँ पर आधार ऑर्डर आधार पीवीसी कार्ड। तो मैं यहाँ पर क्लिक कर लेता हूँ और दोस्तों यहाँ पर क्लिक कर लेने के बाद अब आप देख लीजिए कि आपके पास आधार नंबर होना चाहिए, आपके पास वर्चुअल आईडी या आपके पास ई आईडी, इनमें से कोई भी होगी आपके पास। तो जैसे मेरे पास अभी आधार है तो मैं यहाँ पर आधार नंबर को टाइप करूँगा। अब आधार नंबर टाइप करने के बाद दोस्तों यहाँ पर सिक्योरिटी कोड को टाइप करना पड़ेगा और सिक्योरिटी कोड के बाद दोस्तों अब ये कैप्चा कोड को भरना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर कैप्चा कोड को भर लेता हूँ, MZ6JK, और आधार नंबर भी यहाँ मैं टाइप कर लेता हूँ। तो दोस्तों आधार नंबर और वो डाल लेने के बाद अब आपको यहाँ पर, अगर आपके मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड पर रजिस्टर्ड नहीं है तो यहाँ पर टिक कर लेंगे और आप अपना नया मोबाइल नंबर यहाँ पर डाल देंगे। अगर आपके पास मोबाइल नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है तो यहाँ से टिक हटा देंगे। जो आपके पास रजिस्टर्ड नंबर होना चाहिए उस पर आएगा आपका OTP। तो मैं यहाँ पर टिक कर देता हूँ, जैसे अभी मेरे पास मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड नहीं है। तो यहाँ पर कोई भी अपना मोबाइल नंबर टाइप कर लेंगे जिस पर अभी OTP आएगा और वेरीफाई वहाँ से ये होने वाला है। तो फटाफट मैं मोबाइल नंबर टाइप कर लेता हूँ यहाँ पे। तो दोस्तों मोबाइल नंबर डाल लेने के बाद सेंड OTP पर क्लिक करेंगे और सेंड OTP पर क्लिक करने के बाद दोस्तों OTP सेव योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर चेक योर मोबाइल, और मेरे पास OTP जैसे अभी दोस्तों आ चुकी है तो मैं यहाँ पर OTP डाल देता हूँ। उसके बाद टर्म एंड कंडीशन पर क्लिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। सबमिट कर लेने के बाद दोस्तों अब आप देखिए यहाँ पर वेरीफाई और आधार डिटेल, मेरी डिटेल अब वेरीफाई हो चुकी है। प्रीव्यू इज़ नॉट अवेलेबल ऑन नॉन रजिस्टर्ड नंबर। तो दोस्तों यहाँ पर अगर मेरा रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर अगर यूज करता तो मेरा यहाँ पर आधार कार्ड भी यहाँ पर शो करने वाला था। मैंने अपना अभी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ना यूज करके आपको दिखाने के लिए आधार मोबाइल नंबर को यूज किया है, तो यहाँ पर इसलिए मेरा प्रीव्यू अभी सामने नहीं दिखा है। मैक पेमेंट पर क्लिक कर लेंगे यहाँ पर, और दोस्तों मेक पेमेंट पर क्लिक कर लेने के बाद आप देखते हैं टोटल पेबल अमाउंट 50 रुपये। अब आपको 50 रुपये पेड करना है, आप क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI किसी से भी आप पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं अभी UPI का यूज करूँगा यहाँ पे। UPI में आप जो भी यूज करना चाहते हैं, गूगल पे, फ़ोनपे, भीम, पेटीएम, अमेजोन पे, जो भी आप यूज करना चाहते हैं उससे आप
यहाँ पर कर सकते हैं, देखते हैं यहाँ पर। और दोस्तों जब आप पेमेंट कर देंगे और पेमेंट सक्सेस हो जाएगा तो उसके बाद आप अपनी रिसिप्ट को डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से जब आप डाउनलोड कर लेंगे उसके बाद आप इसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करेंगे तो मैं आपको अभी वो भी बता देता हूँ, id.gov.in पर। और यहाँ पर दोस्तों आपको जब स्टेटस चेक करना है, चेक आधार PVC कार्ड स्टेटस, तो यहाँ पर आप जब क्लिक करेंगे, और यहाँ पर दोस्तों क्लिक करने के बाद दो जो अभी आप जिप डाउनलोड किए उसमें SRN नंबर मिला है, वो यहाँ से SRN नंबर टाइप कर लेंगे, यहाँ से अपना आधार नंबर टाइप कर लेंगे और ये कैप्चा कोड वेरिफिकेशन के लिए डाल के चेक स्टेटस पर क्लिक कर देंगे और आपका स्टेटस शो कर देगा कि आपका पेमेंट हुआ है, आपका आधार कार्ड कब आने वाला है। दोस्तों ये आपको आपके होम एड्रेस पर मिलने वाला, जो आपने आधार कार्ड में एड्रेस आपका है तो उसी एड्रेस पे आपको ये स्पीड पोस्ट के द्वारा मिलेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। आज की वीडियो बस यहीं तक, कल मिलेंगे फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। ओके बाय, टेक केयर।